आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में प्रदीप जी का फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 34 इयर्स के हैं, जिनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम 2019 से था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हेडफोन्स के इस्तेमाल से हुई। आइए, इन्होंने अपने टिनाइटिस को कैसे ठीक किया, इनका फीडबैक सुनते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना फीडबैक देने के लिए। जी मैम, जी मैम, सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 34। और सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं मैडम इंडिया, पंजाब से, पंजाब का रहने वाला हूँ मैम। ओके सर, कब से आपको ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम थी? मैम मेरे को 2019-20 में स्टार्टिंग में शुरू हो गई थी मैम। पहले तो कम थी, लेकिन मैंने पहले इसका कुछ ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया, लेकिन फिर धीरे 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 जैसे चक्कर आने शुरू हो गए, सर में भारीपन रहना शुरू हो, का बैलेंस आउट हो रहा है, तो फिर मैंने दवाई मेडिसिन तो कोई नहीं ली मैडम, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे जब देखा ना, तो मैंने आपका वीडियो देखा, लोगों के फीडबैक देखे, तो फिर मैंने डॉक्टर पर इधर से मैंने पैसा डाला, और मेरे को विद इन 2 डेज में, मेरे को 2 और 3 डेज में मेरे पास पहुंच गया था डिवाइस में, तो ओके, तो आप उसके बाद मैंने इसको यूज करना शुरू किया। जी, जी मैम, तो आपको कुछ कारण पता है कि दिक्कत शुरू कैसे हुई थी आपको? ये तो नहीं, मेरे ना मैं हेडफोन वो यूज करता, सॉन्ग बहुत मैं ऊंची आवाज में सुनता था, तो शायद उसी की वजह से, मेरे को लग रहा है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुआ मेरे को। वैसे और तो कोई दिक्कत नहीं था, कान में कोई दर्द नहीं था मैडम, कान नहीं था ओके, तो सर जब आपने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया, आपको किन चीजों में आराम जी आया मैम। और आज आपका क्या सिचुएशन है? सबसे पहले तो मैम मेरे जो सर का भारीपन तो कम होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद जैसे मेरे को चक्कर आते थे वो कम होने शुरू हो गए, फिर आवाज भी कई बार अभी है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि जैसे एकदम से आई है, एकदम से स्लो हो जाता था, तो वैसे चक्कर चुकर रिलीफ ओके, तो अगर मिलने लगा मेरे को। जी, तो अगर मैं अभी पूछूं, हाल ही में भी कितना परसेंट आपको आराम लगता है 100 में से? आराम है ऐसे अबाउट 70% तो है, क्योंकि मैंने बीच में स्कूल गाना छोड़ दिया था मैम, क्योंकि मेरा फिर ड्यूटी चेंज हो गया था, तो मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला, फिर मैंने अभी इसको मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यू इसको यूज कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को काम है मैम, मेरा सर का भारीपन भी ठीक है और चक्कर भी नहीं है इतना आता, कभी कभार है, कभी कभार आवाज है जो वो नहीं जा रहा, वो कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा आने लग जाता है बस। कोई बात नहीं सर, वो धीरे धीरे आपका और बेटर होता चला जाएगा। जी मैम, सर हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आराम ही मिला इससे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मैम, तो सर जैसे मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यू इसको यूज कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को काम है मैम, मेरा सर का भारीपन भी ठीक है और चक्कर भी नहीं है इतना आता, कभी कभार है, कभी कभार आवाज है जो वो नहीं जा रहा, वो कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा आने लग जाता है बस। कोई बात नहीं सर, वो धीरे धीरे आपका और बेटर होता चला जाएगा। जी मैम, सर हमारे ट्रीटमेंट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं मैम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आराम ही मिला इससे, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मैम। सर जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, मैम यही है कि वो दवाई वगैरह से तो छुटकारा रखें, आपके साथ कांटेक्ट करें और डिवाइस को यूज करें, विद इन मंथ उनको भी काफी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर क्या मैं आपका ये जी फीडबैक जी अपने यूट्यूब पे मैम, डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के बिल्कुल लिए? मैम, बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।